आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चैप्टर का नाम भी शो नहीं हो रहा है। जी हाँ, आज हम वो चीज पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर या टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता, पर हाँ हम उसकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। तो चलिए थोड़ा आप भी गैस मारिए कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं एयर को, क्योंकि एयर हम देख नहीं सकते, पर हाँ उसकी जो प्रेजेंस होती है उसे हम फील कर पाते हैं। जब हवा चलती है तो हमें कि बहुत सारे क्लूज ऐसे मिलते हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर हवा चल रही है। हमें थोड़ा कूल सा फील होता है, पता चलता है कि हवा है। हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ पत्ते उड़ रहे हैं, कोई पेपर उड़ रहा है, कोई चीजें यहाँ जो हल्की हल्की होती है वो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है ना। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर एयर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजों को डन करना है। तो हम करेंगे एटमॉस्फियर, इट्स कंपोजिशन, वेदर एंड क्लाइमेट, देन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमोसफियर। सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पर एटमोसफियर, ठीक है। मैं आपको एक बात पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था चेंजिंग द अर्थ, या हमने उसके पहले कुछ चैप्टर्स जो थे, या पहले हम लोग हमारे नॉलेज में चीजें देख चुके हैं कि हमारी अर्थ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। लिथोस्फियर था जहाँ पर लैंड प्रोवाइड की जाती है, जिस सरफेस पे लैंड होता है उसको हमने लिथोस्फीयर कहा था। हाइड्रोस्फीयर पढ़ा हुआ था जहां पर पानी ही पानी होता है, और एटमॉस्फेयर वो टर्म होती है जहां पर सारी गैसेस ही होती है या एयर ही होता है, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस होती है इसीलिए हमारा जो अर्थ है ना, मतलब हमारी जो अर्थ है उसको यूनिकनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि देखो लिथोस्फीयर हर एक प्लेनेट के ऊपर है, ऑब्वियस ही बात है, और हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक लिविंग चीज है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस ही होती है जिनके थ्रू हम जिंदा रह पा रहे हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर धरती पर है, मतलब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर है, तो ये इसको एक यूनिक प्लेनेट बनाती है। और अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज हेल्प इन मेकिंग मेकिंग इट सो। अब हमारे पास में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट है एयर्स का, ठीक है। अब हम उसको ब्लैंकेट क्यों कहेंगे, ठीक है। जो पहले तो ये समझ ले कि ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट क्यों कहते हैं, इसका आंसर हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। और यही ब्लैंकेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। क्योंकि गैसेस है और गैसेस के थ्रू ही, मतलब जैसे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है जिंदा रहने के लिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मतलब आपस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये चलते रहता है। अब हमने हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट ऑफ क्यों कहा है, ठीक है, गैसेस ऑफ ब्लैंकेट क्यों कहा है, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत सारी गैसेस है, ठीक है। दैट्स बिकॉज नॉट ओनली डज द एटमोसफियर प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो ये पहले जो ब्लैंकेट वाला रीजन है उसको क्लियर कर लो, क्योंकि ब्लैंकेट में बहुत सारी गैसेज है, हमारे पास में ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास ऑर्गन है, बहुत सारी ऐसी जो गैसेज होती है वो यहाँ इस ब्लैंकेट के ऊपर मौजूद है, इसीलिए हमने इसे ब्लैंकेट के नाम से पुकारा है, ठीक है। अब ये जो ब्लैंकेट है होता है ये सिर्फ ना हमें सांस लेने के लिए गैस देता है, बल्कि हमें बहुत सारी हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे पास में ओजोन भी है, ठीक है, ओजोन भी है, इट्स O3, ओके। अगर ऑक्सीजन है तो इट्स O2 और ओजोन है तो O3 है, ठीक है। तो ये हमको प्रोटेक्ट भी करता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है ब्रेथ करने के लिए, और हमारी छोड़ी हुई जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको भी सही जगह पर यूज करवाता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू पेड़ जो है, पेड़ पौधे, प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो चीजें हो गई, मतलब ब्लैंकेट वाला समझ में आया किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है और क्यों ये सर्वाइवल के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑन अर्थ, क्लियर। अब अगर एयर नहीं होती, ठीक है, तो एयर नहीं होने से क्या होगा कि हमारा जो दिन है, मतलब दिन जो होते हैं तो वो गर्म होते हैं, तो हमारे यहाँ पर पूरे टाइम तक गर्माहट ही गर्माहट बनी रहेंगी, रातें जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी ही ठंडी होती जाएंगी। अब बिकॉज ऑफ
दीज गैसेस, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि रात में बहुत ज्यादा कोल्डनेस हो जाती है, लेकिन वो जो बहुत ही अत्यधिक कोल्डनेस होती है तो उसको मैनेज करने का काम भी ये गैसेस ही करती है। अगर दिन में, क्योंकि दिन में सनलाइट आता है, तो सनलाइट किसके थ्रू, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट आता है, इट मीन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो ये अगर गैसेस नहीं होंगी तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वहां पर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये जो गैसेस होती है ये डे को नाइट को दोनों को भी बैलेंस करके चलती है, मतलब इनके टेम्परेचर को बैलेंस करती है। क्योंकि अगर विदाउट इनके रहना तो दिन का टेम्परेचर हम सहन नहीं कर पाएंगे और ना ही हम रात का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है वो भी हम सहन कर पाएंगे। अब एटमोसफियर के ऊपर बात करते हैं तो एटमोसफियर का जो ग्रीक वर्ड है, टर्म आती है, तो एटॉम्स का मतलब होता है वेपर एंड स्पियर का मतलब होता है, ठीक है, देखो द वर्ड एटॉस्मियर एटमोसफियर कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म एटमॉस मीन्स वेपर एंड स्पीयर मीन्स स्पेयर। इट मीन द एयर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड आउटर स्पेस, ठीक है, मतलब जो आउटर स्पेस है और जो अर्थ का सरफेस है वहां के बीच की जितनी भी एयर है वो होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी हमें पता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी पता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर। देखो एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस हमें पता चल गई, क्योंकि भाई ये आपको ब्रीथ लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वहां पे, और जो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन है वो प्रोवाइड करा रहा है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हम एटमोसफियर में छोड़ते हैं, वहीं उसी के थ्रू फिर ये कहाँ पर जाता है, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। कुल मिलाकर के पूरा की पूरा एटमोसफियर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और इसी के वजह से पृथ्वी पर सर्वाइवल कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। अब हम कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंपोजिशंस क्या है। अगर पूरा जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें सबसे ज्यादा हाईली परसेंटेज जो होता है वो होता है नाइट्रोजन का। जी हाँ, एटमॉस्फेयर पे 78% जो प्रेजेंस है वो नाइट्रोजन की है। फिर रिमेनिंग 21% के ऊपर बात करें तो वो 21% जो है ऑक्सीजन है, और ये वही ऑक्सीजन है जो कि हम लेते हैं, क्लियर। और ये ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट होती है, तो ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वहां से ऑक्सीजन जनरेट होती है। फिर हम रिमेनिंग परसेंटेज में देखें तो वहां पर आपको ऑर्गन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जितनी गैसेस होगी जिसमें आपके बहुत सारे जो धूलकण आते हैं, जितनी भी गैसेस है रिमेनिंग वो सारी इस परसेंटेज में शामिल हो जाती है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि जो कंपोजिशन है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है हमारे पास में, 78% हमारे पास में नाइट्रोजन है इन आर एटमोसफियर, देन 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, 0.04% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.96% आपके पास में ऑर्गन गैसेस मिक्स है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रॉपर्टी, इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, जो बैलेंस 1% है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस जो है इसमें आती है। और इसके साथ ही साथ, ये तो गैसेस की बात हो गई, इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी रहती है, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सॉल्ट हो गया, कार्बन नॉन ऑक्साइड्स हो गए, और जो अलग केमिकल होते हैं जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। यही रीजन होता है कि जैसे कि सपोज हम लोग जब मास्क यूज करते हैं तो मास्क की यूज करते हैं ताकि हम जो ऑक्सीजन है वो प्योर फॉर्म में ले लें, ठीक है, वरना हमको मास्क यूज करने की नीड ही क्या थी। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, जैसे अभी कोविड का वायरस जो था वो एटमॉस्फेयर में आ रहा है और एटमॉस्फेयर के थ्रू ही हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो हम कह क्योंकि भाई वो तो एटमॉस्फेयर में चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ठीक है हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे ब्रीथिंग के थ्रू, और उसी एयर में, उसी ऑक्सीजन में वो वायरसेस ऐड हो रहे हैं और उसके थ्रू हमारी बॉडी में वो एंटर करते हैं, क्लियर। नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है और भाई ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैम हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और वहां पर तो हमने दो ही गैसेस पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमसे वो ले लेते हैं और वो हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो भाई जो नाइट्रोजन होता है ये
प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल गैस होती है, सिमिलरली टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये किसके थ्रू लेते हैं, ये जितने भी मतलब जो जैविक खाद होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, इन सबके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन जो है अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर बहुत सारे कीटाणु उटाणु होते हैं, तो उन सारी प्रोसेस के थ्रू ये अपने अंदर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। अब उसके बाद में ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमोसफियर, और ऑक्सीजन भाई अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो हम ही खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। वो कहते हैं ना कि एक पेड़ लगाने का पुण्य आपको 100 कन्यादान से भी ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाते हो तो वो पेड़ न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और आज भी हम हमारे हिंदुइज्म में या किसी भी कल्चर में देख ले तो वहां पर पेड़ पौधों को मतलब भगवान तुल्य माना गया है, उसकी पूजा की जाती है। स्पेशली कुछ बरगद का हो गया, घर में तुलसी लगाने का साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है, पीपल के पेड़ हो गए, क्यों इनको पूजा जाता है। तो भाई एक आस्था होती है सबकी, वो तो है ही है, बट उसके साथ में ये बहुत बड़े सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेटिस, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन क्रिएट करके देते हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पर फोटोसिंथेटिस भी एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। देखो क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, तो इसकी जो लीव्स होती है, ठीक है, ये ग्रीन है, और ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरो फील, ठीक है, इस क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन है। तो ये जो प्लांट होता है तो ये सनरे आती है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होती है, ठीक है, रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसी में भी नहीं होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ऑलवेज सनलाइट में होता है, क्योंकि सनलाइट भी उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है, सनलाइट ऊपर से आ रहा है, पानी हम जो जमीन में डालते हैं वो पानी की ड्रॉप्स हो गई, और उसके साथ में क्या होता है, हम जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम ब्रीथिंग करते हैं, मैंने जो गैस ली वो ऑक्सीजन थी, और जो मैंने रिलीज की वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हम ब्रीथ करते हैं, बट हम बहुत ज्यादा जब काम हो जाते हैं, बहुत शांत रहते हैं, या हम कोई प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि हम ब्रीथ ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। हमें हमारी डेली रूटीन में हमको एकदम एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे नहीं आ रहा समझ में कि मैं ब्रीथ ले रही हूँ और छोड़ भी रही हूँ, बट ये हिडन प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। जब आप एकदम कामली बैठे होते हैं तब हमें समझ में आता है कि मैंने ब्रीथ ली है, और हम उसको चीज को फील भी कर पाते हैं कि हमने ब्रीथ ली है, और इवन हमारा एक-एक बॉडी पार्ट जो है वो फील करता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो गैसेस जो है ऑक्सीजन वो सप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है उस कंडीशन में आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, क्लियर। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमने जो गैस रिलीज की वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से निकला क्लोरोफिल और गया H2O, तो ये सब मिल करके बनाता है, इनका भोजन बनता है, इनका खाना बनता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। C6H12 का खाना बन गया, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरो फील, ठीक है, और ये इसका बन गया प्रोडक्ट प्लस, और रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन, और ये जो रिलीज वाला जो इसका जो एक्स्ट्रा आउटपुट बनता है ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, क्लियर। अब एक रीजन होता है, मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं कि लोग अक्सर कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब मतलब वो क्या कहना चाहिए, अफवाह तो ऐसी उड़ी हुई होती है कि बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में चुड़ैलों का निवास होता है, इसलिए वहां पर नहीं सोना चाहिए। बट एक्चुअल में ये होता है कि जब हम वहां पर सोते हैं तो देखो हमने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑलवेज सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट हट गया। तो अब इनकी जो, क्योंकि ये भी लिविंग है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही इनकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो इनका श्वसन होता है वो सिमिलर होता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर आप रात में किसी पेड़ के नीचे सो रहे हो, उसको भी ऑक्सीजन की नीड है, आपको भी ऑक्सीजन की नीड है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है और आप भी कर रहे हो, तो उस एटमोसफियर में क्या होगा, दो लोगों की ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और उस वक्त आपको कमी किसकी पड़ेगी, ऑक्सीजन की, और उस वक्त आपको घबराहट होगी
और बहुत सारी चीजें फील होने लगती है, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम कि हमें हमारे ऊपर किसी भूत ने अटैक कर लिया है। ठीक है, चलो अब किसी पेड़ के नीचे सोने से ना रात में डरना नहीं है, लेकिन सोना भी नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होता है ना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। चलो देखो, एयर पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ से कहाँ की कौन कौन सी साइंस के ऊपर भी पहुंच गए। ठीक है, चलो हमने साइंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए। All living beings breathe in oxygen, while the green plant breathe out oxygen. Green plant use carbon dioxide present in the atmosphere to make their food. तो इनकी जो process food बनाने की process है, it is called photosynthesis. Thus the plant help in the maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide present in the atmosphere through the process of photosynthesis. अब ये जो process होती है, इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में balance बना हुआ होता है, तो जो carbon dioxide है वो हमारे atmosphere में बहुत ज्यादा नहीं फैली होती है। अभी जब आपने देखा होगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में 0.04% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारा नेचर इतना सही बैलेंस्ड है अगर ह्यूमन बींग का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है तो। ठीक है, आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल रही है, बट हम क्या करते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको काट रहे हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी भी होते जा रही है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर अगर देखा तो 1600 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस है वो इतना एक्सटेंट है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। द डेंसिटी ऑफ एयर वेराइज इन द डिफरेंट प्लेसेस, इट इज द हाईएस्ट नियर द सी लेवल एंड बिकम लोअर एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सर्फेस। अब हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या किया, इसके जो टेम्परेचर, इसका जो कंपोजिशन है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर, द प्रॉपर्टी और एटमोस्फियर, तो इस इन सब के बिहाफ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 लेयर्स में। क्लियर, और हर एक लेयर जो होती है उसके अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग उसकी क्या स्पेशलिटीज होती है, फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो 5 लेयर कौन कौन सी है, एक तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रोपोस्फियर से। तो ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे लोएस्ट वाली लेयर। ठीक है, देखो मैं हर जगह ये वाला पिक्चर जो है वो मेंशन करूंगी। देखो सबसे पहले यहाँ से ये जो हमारी अर्थ शुरू हुई है, तो यहाँ से देखो 12.18 किलोमीटर के एक रेशियो में ट्रोपोस्फियर दिख रहा है। उसके बाद में स्ट्रेट स्ट्रेट टू स्पियर आएगा, मेसोस्फियर आएगा, देन थर्मोस्फियर आएगा, देन एक्सपोस्फियर आएंगे। ठीक है, तो इन सबको ध्यान से सिक्वेंस वाइज आपको याद रखना है, इसका किलोमीटर का रेशियो भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। दिस इज द लोएस्ट एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। सबसे निचली है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करें कि इसकी जो हाइट है, तो भाई ये 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर ऑफ द इक्वेटर। जब हम इक्वेटर और पोल से ऊपर बात करें तो 8 to 18 किलोमीटर के रेशियो में आपको देखने को मिलती है, और ये अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट लेयर है। ठीक है, मतलब अर्थ के सबसे पास में, क्योंकि सबसे पहले देखो अर्थ ये हुआ और अर्थ के सबसे पास में यही हुआ ना ट्रोपोस्फियर, यही है। तो ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिया सच एज क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, स्टोम, हाई लाइटिंग है ना, लाइटनिंग, हेल, जो जितनी भी चीजें होती है वो इसी लेयर में होती है। ठीक है, मतलब अगर बारिश भी हो रही है तो आप सिंपल से याद रखना आपके पोल से 8 किलोमीटर के ऊपर ही है। भाई हम बादल क्या सोचते हैं कि भाई बादल कितने ऊपर होंगे, कभी हम बादलों में उड़े, तो ये बादल आपके बहुत पास में है। ठीक है, बहुत, अब ये मत सोचना एक लंबी निशानी बना के आप बादलों को टच कर लो, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम इसके बारे में देखें तो जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स। देखो जैसे जैसे आप ना क्या होगा, जो एयर हाइट आपकी इंक्रीज होते जाती है, मतलब 165 मीटर जो है वो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो एयर है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज होगी। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप 165 ऊपर गए, आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है, मतलब यहाँ पर आपका कितना था, 12 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर आपका 11 हो गया, फिर आप 165 गए तो यहाँ पर 10 डिग्री हो गया। हाइट पे आप इस प्लेट में जाएंगे तो वहां पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज होते जाएगा। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। अब इस को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। द अपर मोस्ट एज ऑफ दीज लेयर इज कॉल्ड ट्रोपो
पॉज एंड बियॉन्ड दीज द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग. अब एक लेयर आती है. देखो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, ये जो है वो माइनस होते जा रहा है. यहाँ माइनस हुआ हर एवरी 160 किलोमीटर्स पर, तो ये डिक्रीज हो रहा है. लेकिन एक लास्ट पॉइंट आता है जहां पर ये डिक्रीजिंग वाला जो टेम्परेचर है ना वो खत्म हो जाता है. अब इसके आगे जो टेम्परेचर कम होना है वो बंद हो जाएगा. मतलब यहाँ पर वो कम होने का पर 160 किलोमीटर जो है वो कम होना बंद हो जाता है. ठीक है, तो ये वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. ठीक है, ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के बाद में आगे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है. द ट्रोपोपॉज एब्जॉर्ब मैक्सिमम अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीटिंग थ्रू आउट द डे एंड मेंटेन अ सर्टन टेम्परेचर लेवल एट अ नाइट. देखो अभी जस्ट मैंने एक बात कही थी, पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो एयर्स होती है यही वो होती है जो दिन को दिन बनाए रखती है और रात को रात. मतलब ऐसा कि दिन का जो एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल हमारे लिए, हमारे मतलब हम जितना सहन कर सके उसको उस हिसाब से बना के रखती है, और रात में भी जितना हम कूलेस्ट सहन कर पाए उसको उस हिसाब से रात को भी उतना बना के रखती है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रोपोस्फियर होता है तो यहाँ पर ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट जो है ना, मैक्सिमम हीट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सेसिव हीटिंग थ्रू आउट द डे. तो जितने भी डे के दौरान जो भी हीट है, जो मैक्सिमम हीट है ना, तो इन सबको वो ऑब्जर्व करके रखती है, और रात रात और दिन के टाइम का जो लेवल है उसको मेंटेन भी करने का काम करती है. जो दिन में हीट उसने ऑब्जर्व की है तो वही हीट वो रात को रिलीज करता है, तो रात को जो कूलनेस होती है तो वो हमें बहुत ज्यादा कूल नहीं, ये जो ट्रोपोस्फियर है वो दिन वाली हीट को ऑब्जर्व करके यहाँ पे रिलीज करता है. सिमिलरली प्रोसेस जो है वो दिन में भी होता है, तो दोनों में ही ये मेंटेन करके चलता है. अब नेक्स्ट वाला जो आता है वो है हमारे पास में स्ट्रेटोस्फियर. सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन. अब ये जो है ये हमारे पास में 50 किलोमीटर जो है वो रहती है. ठीक है, दिस एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबोव द ट्रोपोस्फियर. ठीक है, अब ट्रोपोस्फियर के 50 किलोमीटर के बीच में आपको ये मिलने वाली है, और ये लोअर पार्ट है. ठीक है, द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर बट देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अपर पार्ट. अब देखो इसके जो लोअर है, मतलब यहाँ से ट्रोपोस्फियर चल गया, फिर यहाँ से शुरू होता है स्ट्रेटो स्फीयर. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के चल रहा है, हमने की बात की थी 50 किलोमीटर के अंदर में अबो. तो अब नीचे नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर तो टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है ऊपर वाले पार्ट में. ठीक है, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अपर पार्ट. देखो ट्रोपोस्फियर में क्या हुआ था, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो माइनस होते जा रहा था. ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है, बीच वाले एरिया में ये कांस्टेंट बना है, लेकिन फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये प्लस होते जाएगा. इट मीन कि ये इंक्रीज होते जाएगा. अब हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है गैस, ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है, तो वो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में ही शामिल होती है, ये यहीं पर वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसी की प्रेजेंस के कारण जो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडियस जो हो रहा है सन से जो आती है उससे हमें वो प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, अब ये लेयर जो है ओजोन लेयर ये हमको प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली अल्ट्रा से, हम अर्थ पे सेफ एंड सिक्योरली है. बट ये बहुत ज्यादा दिनों तक के नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जो हरकतें हैं, हमारी जो एक्टिविटीज है, ये खराब होते जाएंगी तो ये ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, और इसका एकमात्र रीजन है हमारी हरकतें. ठीक है, बींग अ क्लाउड फ्री जोन वेयर नो वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, दिस लेयर इज आइडल फॉर जेट फ्लाइंग. अब जो जेट फ्लाइंग होती है, प्लेन्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बादल वादल नहीं होते हैं. जब हमने मतलब सॉरी मैंने तो प्लेन में नहीं गई हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकती कि जाते हैं. ठीक है, बट हाँ जब हम प्लेन वाले वीडियोस देखते हैं किसी के, ठीक है, तो वहां पे क्या देखते हैं हम लोग कि जब वो वीडियोस बनाते हैं ना तो वहां पर वो बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं. तो ठीक है, वो क्लाउड्स के पैरेलल नहीं दिखाई देते हमें, ठीक है, वो क्लाउड्स के ऊपर दिखाई देते हैं हमें. ठीक है, जब वो बनाते हैं तो नीचे ढेर सारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिखाई देते हैं, पर वो क्लाउड्स में कभी मैंने आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें वो क्लाउड्स के पैरेलल हो. ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो जो क्लाउड्स है वो तो ट्रोपोस्फियर में रह गए और ये लोग स्ट्रेटोस्फियर में अपनी उड़ान को भर रहे हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली
साइंस में जाते हैं तो मेसोफियर जो है अब वो आ जाता है, तो अब ये वाली जो थर्ड लेयर है इसकी हाइट कितनी है 80 किलोमीटर्स में, ठीक है। द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द हाइट एंड रिचेज अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, माइनस हुआ था टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में, फिर सेकेंड वाले में यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया था, और यहाँ पर ये ना, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये वाले लेयर में मेसोस्फीयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगा और इसका जो 80 किलोमीटर वाला ये जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जहाँ पे आज आप रहने की भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है। क्या है, मेटोराइट्स बर्न अप इन द लेयर दे इंटर फ्रॉम द स्पेस। अब जो मेटोराइट्स आते हैं तो वो यहाँ पर स्पेस से आते हैं ना, तो इस लेयर में वो चलने लगते हैं ना, बर्नअप होते हैं वो। बात है हमारे पास में थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर क्या है, देखो लाइंग अबाउ द मेसोस्फीयर दिस लेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर। भैया हमारी जो अभी यात्रा है वो 1600 किलोमीटर पे समाप्त होने वाली है और अभी हम कहाँ पर पहुंचे हैं, 400 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर माइनस हो रहा था, फिर कांस्टेंट था, फिर प्लस हो रहा था, फिर माइनस हो रहा था, अब हम पहुंच गए हैं -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। देखो एक याद रखना, सबसे पहले हम कम करेंगे, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो ये सीक्वेंस जो है वो चलते जाएगा, तो शुरुआत हमको कम से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर रैपिडली वो हाइट में क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर इस लेयर में होते हैं आयंस, ठीक है, और ये जो आयन होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस लेयर कंटेन आयंस विच आर पार्टिकल दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, मैंने यहाँ से कॉल किया, वहां पर आपने रिसीव किया, ठीक है, नेटवर्क होता है, तो यही वो वाली लेयर होती है जो इस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आयन्स होते हैं, आयन बोले तो माइनस प्लस आयन वाले जो होते हैं ना, ठीक है, तो ये आयन होते हैं, और यहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब जो यहाँ से छोड़े जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनोस्फीयर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयन्स। अब आयन की प्रेजेंस के कारण इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं या आप इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानेंगे। देखो अभी तक के जितना पढ़ा है मैं उसको आपको यहाँ पर फटाफट एक शॉर्ट में रिपीट करा दूं, और आप ये जो डायग्राम हम जो शॉर्ट वाले बनाते रहते हैं आपको उसको अपने पास में भी रफली नोट याद रखना है, क्योंकि यही वो नोट्स होते हैं जो कि हमें याद हो जाते हैं, क्लियर। देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर में गए थे, यहाँ पर माइनस डिग्री हो रहा था, ये हमारा 8 किलोमीटर था, 8 to 18 किलोमीटर, 8 जो था वो हमारे किससे, पोल से था। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं 16 किलोमीटर पे हमको सेकेंड वाला मिलता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, फिर ये जो है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर। फिर थर्ड वाली लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है, ये माइनस होते जाता है टेम्परेचर, ठीक है, माइनस टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हम उड़ सकते हैं, यहाँ पर उड़ सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये उड़ने वाला होता है, ये नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ सकते हैं, और यहाँ पर बादल क्लाउड्स वगैरह सारे होते हैं। यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चले जाता है और यहाँ पर जो मेटराइट जाते हैं वो बर्न हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आ रहा है हमारे पास में क्या, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर पे हमको जाना है 400 की हाइट पर, ये वाला 80 किलोमीटर्स था, ये 400 किलोमीटर पे है, और यहाँ पे रैपिडली हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, यहाँ पर आयन की प्रेजेंस है और आयन की प्रेजेंस के कारण ही इसे आयनोस्फीयर कहते हैं, और इसी आयन से रिफ्लेक्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हैं और हमारी अर्थ पे वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराते हैं। अब हमारा लास्ट आता है एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर क्या है, हमारी लास्ट यात्रा जो थी वो 1600 किलोमीटर पे थी, तो ये आ गया हमारा लास्ट 16 मीटर। अब जितनी डिटेल है वो आप यहाँ पर जब भी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर आकर आप फील कर देना, और ये वाला चार्ट जो है एकदम फर्स्ट में आप जब ये डायग्राम बना रहे होंगे पांचों लेयर्स का, तो वहां पर आप ये डायग्राम बना के सारी डिटेल्स को आप वहां पर फील करने वाले हैं। द अपर मोस्ट लेयर विच एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर एंड मर्ज विद अ इंटरप्लेनेटरी स्पेस, ठीक है। अब जो वो स्पेस होता है ना उसके बीच में एक रोल भी प्ले कर देता है ये, ठीक है, तो ये 1600 किलोमीटर
के हाइट पे है, और यहाँ पर क्या है, हियर द एयर हियर इज वेरी थीन कंटेनिंग गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन दैट फ्लोट इन टू स्पेस फ्रॉम हियर. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एकदम हाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ही गैसेस देखने को मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम. और ये हाइड्रोजन हीलियम आपको पता है कि स्पेस की सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये दैट फ्लोट इन स्पेस फ्रॉम हियर. ठीक है, स्पेस से यहाँ पर फ्लोट होते जाती है. ठीक है, फिर आप सन में हीलियम को हम डिटेल से पढ़ भी लेंगे. तो उम्मीद करती हूँ मैं, मेरा यही डायलॉग है उम्मीद करने वाला, तो हाँ मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ. ठीक है, कि आप अच्छे से अब तक की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी रिगार्डिंग टू आर एटमोसफियर. ठीक है, कंपोजिशन पढ़ लिए हमने, उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पढ़ लिए, अब हमको सिग्निफिशियंस ऑफ द एटमोसफियर देखेंगे. भाई अब एटमोसफियर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसी में हम जितना हमने पढ़ लिया है हम उसको इन शॉर्ट यहां पर देख लेते हैं, बस 30 सेकंड के ब्रेक के बाद. चलो 30 सेकंड का ब्रेक समाप्त हुआ. देखो अब हमने एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जितनी भी बातें की थी वो हम यहाँ पर उठा करके रख देते हैं. जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट, बिकॉज ये हमें बहुत मतलब ये हमारे को अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है सूरज की तो उससे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, किसकी हेल्प से, ओजोन की हेल्प से. ये अर्थ के जो वार्म हीट है उसको एब्जॉर्व करता है, डे को डे बना के रखता है, नाइट को नाइट बना के रखता है. इट हेल्प्स इन कीपिंग द अर्थ वार्म बाय ऑब्जर्विंग हीट. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and nitrogen is essential for the survival of and growth of both animal and plant life. ठीक है, ये फैक्ट भी आपको पता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देन कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो उससे अपना ऑन फूड जो है वो प्रोड्यूस कर दे. तो प्लांट्स जो है ये इकलौती चीज है जो हम प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब हम आ जाता है वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर. भाई ये हमारे जो ओल्ड एज, हमारे जो चाचा दादा नाना और जो पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं ना, तो सबका फेवरेट टॉपिक होता है. हाँ, और भाई कैसे है, क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, तो बस आज हम इसी चीज को समझते हैं. अब वेदर क्या होता है, देखो जो हमारी एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, कि वहां पे गर्म फील हो रहा है हमें, वहां का टेम्परेचर गर्म है तो हम कहेंगे गर्मी है, बारिश हो रही है पानी गिर रहा है तो बारिश है, या हमें ठंड लग रही है, तो ये वाला जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो आता है वेदर आता है, तो इसको उस एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है मतलब ठंडी गर्मी बारिश जो भी है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. लेकिन ये वेदर एक लंबे समय तक के चलता है. ठीक है, मतलब अगर 4 दिन मतलब 2-3 घंटे तक के मेरे पास गर्मी है तो मैं इसको कहूंगी यहाँ का वेदर जो है भी गर्म है, मौसम गर्म है. लेकिन क्या होगा, ये बहुत लंबे समय तक के चलेगा, ये 4 मंथ तक के चलेगा, तो हम इस वेदर को घोषित कर देंगे कि भाई अब आप वेदर नहीं रहे हो, अब आपका नाम क्लाइमेट है. ठीक है, आप बहुत लंबे मेहमान हो चुके हो. तो वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन इन अ स्मॉल एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. विल द टर्म क्लाइमेट रिवर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेनिंग अबाउट 30 ईयर्स. तो ये क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम में चेंज होता है, मतलब वेदर जो होता है वो किसी भी एरिया का वो शॉर्ट इंटरवल में चेंज हो जाता है. ठीक है, कभी वो विंडी है, कभी वो सनी है, कभी वो किसी भी जगह पर कभी भी कैसे भी है. द वेदर ऑफ एनी एरिया में चेंज एट शॉर्ट इंटरवल, इट माइट बी विंडी इट एट वन टाइम ऑफ द डे और सनी एंड ह्यूमिड एट अनदर पॉइंट ऑफ द टाइम. ठीक है, मतलब वो कभी भी किसी भी जगह पर चेंज हो जाता है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो. ठीक है, बट जो क्लाइमेट होता है वो एक परमानेंट नेचर होता है. ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, श्रीलंका एंजॉयज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, सबके अलग अलग टाइप होते हैं क्लाइमेट्स के. द क्लाइमेट दैट इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसिप्शंस, सनशाइन एंड क्लाउडनेस.
भाई हमारा जो क्लाइमेट होता है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इन्फ्लुएंस होने के, जो वेदर और क्लाइमेट है, तो ये टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, प्रेशर से होता है, विंड से होता है, ह्यूमिडिटी से होता है, तो इतने सारे जो एलिमेंट्स है इसको इफेक्ट करने वाले होते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर जो होता है वो रिफर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर क्या है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर है, मतलब ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, 40 डिग्री है, 42 डिग्री है, हम समर के डेज में देखते हैं। और जब आती है बात लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर इट मीन कि वहां पर कोल्डनेस है। ठीक है, वो अभी रात, अभी हम ठंडियों के दिन में बोलते हैं ना कि भैया आज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा कम हो गया था। ठीक है, इट मीन कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि रात में कई बार होता है ना 10 डिग्री आ जाता है, 8 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर रिफर टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, मतलब एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस को शो करता है टेम्परेचर। द मेन सोर्स ऑफ द ही दिस हीट इज इंसोलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। ठीक है, अब हीट का जो मेन सोर्स क्या है कि जो सन से अर्थ जो एनर्जी रिसीव करती है, जो सनलाइट रिसीव करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड डिशनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। अब वो कंडीशन भी डिपेंड करती है। इट इज हायर इन अ प्लेस नियर इक्वेटर एंड डिक्रीजेस पोल वार्ड्स। देखो अब ये क्या होता है, जो हीट होती है तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के नियर ये बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इक्वेटर के नियर ये हाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ रही है, सनलाइट मिल रही है। और जो पोल्स होते हैं, पोल्स के यहाँ पर ये कम इसीलिए होता है क्योंकि पोल्स पे जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ पा रही है। ठीक है, या उनका जो अमाउंट है सनलाइट का पहुंचने का वो कम होता है, इसलिए पोल के वहां पर ये कम होते, डिक्रीज होते हैं, और इक्वेटर मेन पे क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव डिफर्स फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड ऑल्सो बिटवीन डे एंड नाइट। अब ये जो अमाउंट होता है इंसोलेशन के, तो ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन की किस सीजन में कितना पड़ना है, कम पड़ना है, इवन डे और नाइट में भी। जैसे डे में क्या होता है, बहुत ज्यादा सनलाइट आता है, वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। रात में सनलाइट नहीं होता तो वहां पर कूलनेस होती है। फिर जैसे समर्स में बहुत ज्यादा हाई होता है, विंटर्स में कम हो जाता है ना, रेनी सीजन में और थोड़ा कम हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स हाइट अबाउट द सी लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हाँ, कहीं का जो टेम्परेचर है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो हाइट है सी लेवल कितना है। ठीक है, वहाँ का सी लेवल कितना है। प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी विल एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर, बट दूस अवे फ्रॉम द सी विल जनरली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अब जो पास में होते हैं, क्योंकि आसपास पानी है, तो जो रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो क्या होगा, आपको आसपास में थोड़ी ठंडक लगेंगी, लेकिन जो दूर बसे हुए हैं, ठीक है, जो क्या कहना चाहिए, जो समुद्र से थोड़े दूर बैठे हुए हैं, जो दूर बसे हुए हैं, तो वहां के लोगों को थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो फील करना पड़ता है। क्लियर। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक टूल बना हुआ है, और उस टूल को कहता है थर्मामीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे थर्मामीटर जो है वो हमारे टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, तो जी हाँ, सभी टेम्परेचर के लिए अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। एक तो मौसम के लिए भी होता है टेम्परेचर, ठीक है, जिसको आप फेरनहाइट सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, और हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए भी हमारे पास एक पर्सनली थर्मामीटर है, जिसको हम चाहे तो फेरनहाइट में चेक कर सकते हैं और सेल्सियस में भी ये होते हैं। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर के ऊपर बात कर ली। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं एयर पे, हमारे पास एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वही होता है, मतलब क्या कहना चाहिए, जो प्रेशर, सॉरी एक मिनट, जो हमारी अर्थ होता है उसके ऊपर जो वेट ऑफ एयर है, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, ये ए प्री जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ चुके हैं, तो इसको हम काट देंगे। अब प्रेशर है ना, एयर प्रेशर जो है ये वाला कट जाएगा। अब ये जो एयर प्रेशर्स होते हैं, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उस
उसके ऊपर लगता है, ठीक है, ऑल एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एयर प्रेशर लगता है, क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, हमारी जो लोअर लेयर होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा लगता है, दिस इज बिकॉज एयर अबोव अस एक्स सॉरी मेरे बहुत ज्यादा पता नहीं, एक मिनट, एग्जर्ट प्रेशर ऑन द लोअर लेयर्स, ठीक है, जितनी भी लोअर लेयर्स होती है उसके ऊपर एयर जो है वो अपना प्रेशर डालती है, मतलब उससे जो निचली वाली लेयर्स होती है वो हमें एयर दिखाई नहीं देती या हम उसको एकदम फील नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसके आसपास से जो है वो एयर निकल जाती है, ठीक है, और इसी बीच में हम उसको हल्का सा फील भी कर लेते हैं, ठीक है, एयर पासेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आर बॉडी टू काउंटर दिस प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी से आर पार इधर उधर हो जाती है, ठीक है, ये पूरी बॉडी है इसके इधर से पीछे से इधर निकल जाएंगी, इधर से ऐसे निकल जाएंगी, तो हमें ऐसा टच करते हुए हट जाती है। अब एयर प्रेशर जो होता है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में इंस्ट्रूमीटर है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर की हेल्प से हम एयर प्रेशर को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ये यूनिट में, ठीक है, द यूनिट बाय विच इट इज मेजर्ड इज मिलीबार, ठीक है, मिलीबार में हम इसको मेजर करते हैं। अब जो एयर प्रेशर होता है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, जो प्लेस होता है उसके एल्टीट्यूड से भी ये इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे कि अगर हम बात करें हाई मतलब द इट इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड द डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हाइट जो है मतलब सी लेवल का जो हाइट है तो वहां पर ये एकदम हाईएस्ट होता है जो एयर प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो एयर प्रेशर जो है वो कम होते जाता है। देखो जैसे कि ये सी लेवल है तो ये सी लेवल के नियरेस्ट जो है एयर प्रेशर एकदम हाई रहने वाला है, और जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ते जाएंगी तो वहां पर एयर प्रेशर जो है वो कम होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो एयर जो है वो कम होती है। सिमिलरली टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करता है, तो एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस जो है वो तो उससे इन्फ्लुएंस्ड होता ही है, ये टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है, या तो फिर इफेक्ट बोल सकते हो इसका जो प्रेशर, ठीक है, द टेम्परेचर एट एनी प्लेस ऑल्सो इफेक्ट्स इट्स प्रेशर कंडीशन। देखो अगर प्रेशर टेम्परेचर जो है वो हाई है, ये इसको हटा देंगे, ठीक है, अगर वो हाई है तो एयर इज हॉट, ठीक है, मतलब एकदम हाईएस्ट पे क्या होगा एयर जो है वो हाई हो जाएगा टेम्परेचर हाई है तो, और अगर टेम्परेचर लो है तो वहां पर कूल हो जाता है, ये तो अंडरस्टूड वाली कंडीशन है कि जहां पर भी हवा वगैरह चलती है तो हमें पता है कि वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है, बट वेयर टेम्परेचर आर लो एयर प्रेशर इज हाई, ठीक है, कहते हैं ना ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ठंडा लग रही है, ठीक है, और जब गर्म हवा चलती है तो वहां पर गर्मी वाले को भी वो ठंडा, कहते हैं जब कहीं किसी एरिया में गर्मी होती है तो हम कहते हैं कि हवा चला दो तो हमें वहां थोड़ी सी कूलनेस मिल जाएंगी, तो बस यही टेम्परेचर वाला वहां पर खेल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन चेंज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी चेंज होते जाता है। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता चल गया कि जो वेट ऑफ एयर है ऑन अर्थ सर्फेस इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद में किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, एल्टीट्यूड से, अगर हाईएस्ट है सी लेवल से हाईएस्ट पे है तो वहां पर क्या होता है इन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल के ऊपर, और अगर वो वहां से हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाती है तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होते जाता है। सिमिलरली हम टेम्परेचर के ऊपर बात करें, अगर टेम्परेचर हाई है तो वो वहां पर क्या होगा, वहां पे हॉट हॉट होंगी एयर प्रेशर, और जहां पर लो प्रेशर मतलब जहां पर टेम्परेचर लो है वहां पर क्या होगा एयर प्रेशर जो है वो हाई होगा, और एक सेकेंड वर्ड्स मेरे मिक्स हो रहे हैं सॉरी, देखो टेम्परेचर अगर हाई है ठीक है तो एयर इज हॉट एंड एक्सपेंडेड, ठीक है, तो एयर वहां पर हॉट हो जाती है, अगर टेम्परेचर जो है वो लो है तो वहां पर कूलनेस बनी हुई होती है या एयर प्रेशर वहां पर हाई होता है, ठीक है, क्लियर, और जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर एयर प्रेशर लो होता है, मतलब वहां पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है, क्लियर, तो ये अपोजिट सिस्टम हो जाता है यहाँ पर, और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसको भी ये इफेक्ट करता है। अब इसी के डिक्शनरी में एक और वर्ड आता है विंड, ठीक है, अब विंड क्या होता है, जब जो मोशन है एयर का मोशन है, ठीक, एयर जो है वो मोशन फॉर्म में है, मतलब एयर चल रही है तो उसको हम कहते हैं विंड, ठीक है, हम विंड को फील कर पाते हैं, क्लियर, जब हवा चलती है तो हम उसको फील करते हैं ना, तो बस यही होता है, ठीक है, जो एयर अगर मोशन फॉर्म में है तो हम उसको विंड कहते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमें विंड को ब्लो समझने में मदद करता है।
विंड को फाइंड करना है, उसको मेजर करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो इंस्ट्रूमेंट है अमीनोमीटर। ठीक है, अमीनोमीटर की हेल्प से हम समझते हैं कि जो हवा है वो कितनी चल रही है, मतलब जो उसकी स्पीड है, ठीक है, किस स्पीड से चल रही है, तो हम उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनोमीटर। बट हमें ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम विंड वेन जो है उसकी हेल्प लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हवा की डायरेक्शन किस दिशा में है। ठीक है, दोनों की इमेजेस आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। एक विंड वेव है, देखो जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है हवा, तो यहाँ पर ये जो एरो है वो नॉर्थ साइड में हो गया कि भैया नॉर्थ से हवा जो है वो आ रही है। ठीक है, और हमें काउंट करना है उसकी स्पीड को, तो हम अमीनोमीटर की हेल्प लेंगे। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आप इसमें हवा से रिलेटेड याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हवा के टाइप कितने होते हैं या विंड्स के कितने टाइप होते हैं। तो विंड्स जो होती है वो तीन टाइप की होती है, एक तो परमानेंट, सीजनल और लोकल। देखो आपकी जो नाम है, नाम से ही डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो रही है। परमानेंट विंग्स जो कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कंसिस्टेंटली है वो चल रही है, तो हम उसको कहते हैं परमानेंट विंड्स। ठीक है, द विंड्स दैट ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंग। पूरे साल भर में वो एक जैसी चल रही है तो उसको हमने परमानेंट कहा है, और इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, दे ऑल्सो ब्लो कंस्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देर आर टाइप ऑफ परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, जो कि देखो जो ट्रेड विंड होती है, जो व्यापारिक पवन है जिसको कहते हैं, तो वो परमानेंट विंग जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेड विंड्स की, तो वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है हमेशा। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से वो चलेंगी। फिर उसके बाद में दूसरी आती है हमारे पास में, फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट फ्लोज इन द नॉर्थ अर्थ इक्वेटर रीजन। ठीक है, 30 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, साउथ वेस्टर्न विंड नॉर्थ, तो 30 टू 60 के बीच में ये जो है वो रन करते जाती है। इसके बाद में आता है हमारे पास में सीजनल विंड या पीरियोडिक विंड्स। ठीक है, अब पीरियोडिक या सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में जो विंड्स चलती है उसको हम सीजनल या पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आती है, जैसे मानसून वाली आ जाती है। ठीक है, दीज आर विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन ड्यूरिंग द ईयर। दे ब्लो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन, द मानसून विंड इन द इंडिया ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन एंड ब्रिंग रेन टू द होल कंट्री। दे चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ मतलब सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पर जब आप ये मानसून वाली देख रहे हो, तो मानसून जब आ रहा है तो यहाँ से नीचे जब हम पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है, वहां पर मानसून रेज में पढ़ेंगे, तो ये ऊपर की तरफ जाती है, तो स्टार्टिंग यहाँ से बारिश में होती है और यहाँ से होते होते ये होती है, जब ये रिटर्न आती है इस टाइप का, जब चलता है सर्कल चलता है इसका, तो फिर पूरे इंडिया में भी बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मानसून के टाइम में जो चलती है जो विंड्स होती है उसको हम मानसून विंड कहते हैं, जो कि पूरे इंडिया में बारिश करवाने में हेल्प करती है। तो जो भी सीजन वाइज चलती है उसको हम सीजनल विंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है लोकल विंड्स। ठीक है, अब लोकल विंड्स क्या होती है, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में होती है। ठीक है, वो डे में हो सकती है और ईयर में भी हो सकती है, ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। दीज विंड्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्लो ओवर अ स्मॉल एरिया, लैंड और सी ब्रिज। ठीक है, ये किसी स्मॉल एरिया में बह रही है, स्मॉल जो सी एरिया है वहां पर बह रही है। ठीक है, दे आर नोन बाय लोकल नेम्स ब्लो विच आर हॉट एंड ड्राई, लोकल विंड ब्लोइंग इन नॉर्थन इंडिया इन अ समर सीजन। तो इस टाइप की मतलब एक लोकल टाइम के लिए जो चल रही है, मतलब कभी वो बहुत गर्मी दे रही है, कभी वो बहुत ठंड दे रही है। ठीक है, इस टाइप की जो विंड्स होती है, तो इसे जैसे साइक्लोन भी होते हैं, साइक्लोन एंटी साइक्लोन विंड्स भी होते हैं। तो अब हम साइक्लोन के ऊपर बात करें, तो साइक्लोन एक्चुअल में क्या होते हैं, देखो साइक्लोन जो है अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ, तो साइक्लोन क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, तो विंड विंड तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। देखो सी विंड्स आर ऑल्सो लोकल विंड्स विच डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इन कोस्टल एरिया। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर वेरिएबल विंड्स। ठीक है, जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होते हैं ये भी वेरिएबल ऑफ विंड्स है। ठीक है, तो मैं आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी एक्सप्लेन करते हैं साथ ही साथ में। देखो साइक्लोन क्या होता है, देखो अभी हम तक हम लोगों ने क्या प्रेशर पढ़ा हुआ था, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हाई होगा और दूसरा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि बीच में एक एरिया है, ठीक है, लो प्रेशर है और सराउंडेड किससे है, वो हाई प्रेशर से। ठीक है, मतलब यहाँ पर एकदम कम प्रेशर है और इसके आजू
बहुत ज्यादा प्रेशर से ये सराउंड हो चुका है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये लो प्रेशर है और ये जो पूरा है हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पे बहुत हाईली प्रेशर के साथ में विंड जो है वो फ्लो कर रही है और बीच में एकदम लो प्रेशर रह गया है, ये स्पेस रह गया है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोन। अ साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, विंड्स ब्लो इन द स्पाइरल मैनर एट अ ग्रेट स्पीड टुवर्ड द लो प्रेशर सेंटर। ठीक है, अब इसको लो प्रेशर सेंटर रख दिया और हाई प्रेशर जो एकदम फुल स्पीड में इसके बाजू बाजू जो है वो भागते जा रही है और इसके वजह से एकदम हैवी रेन्स हो जाती है और इससे बहुत ज्यादा डैमेज भी क्रिएट होते हैं। तो साइक्लोन आपको समझ में आया कि क्या होता है, जब साइक्लोन आते हैं ना चक्रवात आ गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इस वजह से, तो वो यही होता है कि बीच में एकदम लो प्रेशर रह जाता है और हाई प्रेशर से उसके आजू बाजू हवाएं इतनी तेजी से बहती है, इतनी तेजी से रहती है कि वहां पर बारिश हो जाती है और उसके वजह से बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। अब हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन की, तो जिसके जस्ट अपोजिट जो एक्टिविटी है या जो घटना होती है तो इसी को क्या कहते हैं, हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम बीच में एकदम हाई प्रेशर रख देंगे कि बीच में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, यहाँ पर विंड घूम रही है घूम रही है घूम रही है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और इसके आजू बाजू पूरा लो प्रेशर है ना। तो ये लो प्रेशर यहाँ पर बीच में रह गया, ये लॉग नहीं है, ये लो है, ठीक है। तो आजू बाजू पूरा लो प्रेशर है, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बहुत कम है और बीच में बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर से ये घूम रही है। एन एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर, जेंटल विंड्स ब्लो आउट इन द ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, दे ब्रिंग फाइन वेदर एंड क्लियर स्काईज। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस होती है तो उस वक्त फाइन वेदर भी होता है और क्लियर स्काईज भी होते हैं। साइक्लोन आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन, आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो साइक्लोन होते हैं सभी को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई हमेशा की तरह एक लाइन फिर बोलूंगी कि उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी अभी तक की जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं। इस चैप्टर में हमको चीजें छूट चुकी है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे जो ओस वगैरह होती है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीजें रह चुकी है। हम इस सारी जो डेफिनेशन है इसको नेक्स्ट चैप्टर मतलब वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक कि आप क्या करेंगे, इतनी सारी चीजों को रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। सारी चीजें हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं ही हैं कि हवाएं कौन सी चलती है, किस तरीके से चलती है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है। तो तब तक आप रिवाइज करके रखिए, तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर।